सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन समझा था, आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं, है ना। सो अगर आप देखेंगे पोएम में, बुक के अंदर थिंक इट आउट में कुछ कहा जा सके MCQs दिए हुए हैं, है ना। उन MCQs के हम मतलब समझते हैं और उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड मीन्स द गर्ल इज ब्लैंक, है ना। कि जो लंबी लड़की के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, वेट डाउन हेड, वेट डाउन हेड का मतलब क्या समझाया जा रहा है यहाँ पर, क्या वो इल एंड एग्जॉस्टेड है, है ना, मतलब बीमार और थक चुकी है। हैज़ हर हेड बेंट विथ शेम, शर्म से उसका सिर झुक चुका है। हैज़ अनटाइडी हेयर, क्या उसके जो है बाल बिखरे हुए हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। अनटाइडी हेयर, बाल तो किसके, लड़के के बिखरे हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं, है ना। बेंट विथ शेम, ये भी लड़के के बारे में बात की गई है। तो इल एंड एग्जॉस्टेड कौन है यहाँ पर, इल एंड एग्जॉस्टेड जो है वो कौन है, लड़की है। सो इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज मीन, है ना। जो पेपर स्विमिंग बॉय मतलब बिल्कुल जो पतला दिखने वाला लड़का है, विथ रैट्स रैट्स आइज, है ना, इसका मतलब क्या होता है। देखो मैंने समझाया था रैट्स आइज मतलब क्या, लालची आंखें, है ना। तो क्या वो स्लाई एंड सेक्रेटिव है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या वो थीन है, थीन तो यहाँ पर दिखाया पेपर स्विमिंग, है ना। हंग्री, भूखा है, देखो रेड साइज मतलब भूखा है। और वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, सीधी सी बात है। अनप्लीजेंट लुकिंग, नहीं ये तो कहा जा सके, डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता इसका, तो सीधी सी बात है इसका मतलब क्या हुआ, थीन, हंग्री एंड वीक। सो नेक्स्ट हम समझते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या है, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय इज ब्लैक, है ना। तो यहाँ पर जो स्टंटेड मतलब कहा जा सके जिस डिजेबल व्यक्ति की बात की गई थी वो, है ना। अनलकी, अनलकी किस लिए कहा गया है, क्योंकि फादर से दूसरा कुछ तो मिला नहीं, डिसीज जो है वो गिफ्ट में मिल गया है, बीमारी, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो बच्चा जो है इनहेरिटेड करके बैठा है डिजेबिलिटी अपने फादर की, या फिर वो लड़का जो है शॉर्ट एंड बोनी है, बोनी मतलब स्किनी, पतला है, है ना। तो सीधी सी बात है आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, है ना। वो जो बच्चा है अपने फादर की डिजेबिलिटी को इनहेरिटेड कर चुका है ना, मतलब उसके फादर की जो बीमारी है वो उससे भी लग चुकी है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम अ स्क्विरल्स गेम इन अ ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स द बॉय इज ब्लैंक, है ना। जो बच्चा है उसकी आंखों में जो सपने दिखाई दे रहे हैं, किस बात के, एक स्क्विरल गेम खेलने के, कहाँ पर, जो ट्री हाउस है वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या बनता है, क्या वो बच्चा जो है फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, क्या वो भविष्य के लिए जो है बहुत आशावादी है, नहीं हो सकता ये तो, क्यों, क्योंकि फिलहाल जो है उसे दुनिया क्या है यही पता नहीं है। क्या वो मेंटली इल है, बीमार है ये बच्चा, या फिर अपने लेसन से जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो सीधी सी बात है वो अपने लेसन से क्या कर चुका है, डिस्ट्रैक्ट कर चुका है अपने आप को, है ना। वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसे जो है वो स्क्विरल की गेम खेलनी है, जो कहा जा सके ट्री हाउस में जिसकी वो ड्रीम कर रहा है। अब यहाँ पर स्क्विरल की ही गेम खेलनी है, ऐसा ऑथर क्यों कहते हैं, तो ऑथर ने जो है कहा जा सके, पोएट ने जो है यहाँ पर ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया है, है ना, किस बात को समझाने के लिए कि वो जो बच्चा है अपने लेसन पर बिल्कुल भी ध्यान दे रहा नहीं है, है ना। नेक्स्ट, द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस विड्स दिस मीन्स दे आर ब्लैंक, है ना। कि ये जो बच्चे हैं उनके चेहरे जो है कैसे समझाए गए यहाँ पर, रूटलेस विड्स के तौर पर, है ना। तो क्या ये बच्चे जो है इनसिक्योर है, नहीं। क्या वो इल फेड है मतलब अच्छे से खाना नहीं खाते, नहीं। तो रूटलेस विड्स का मतलब क्या हुआ, दे आर वेस्टर्स मतलब ये अनवांटेड हैं, इन बच्चों की जो है किसी को ज़रूरत नहीं है ना, कोई व्यक्ति जो है इन बच्चों को चाहता नहीं है। सो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सॉर क्रीम, व्हाई डू यू थिंक हैज द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, है ना। कि कहा जा सके जो सॉर क्रीम यहाँ पर लिखा गया है उसका कलर क्या है, और पोएट ने क्लासरूम की दीवारों को जो है डिस्क्राइब करने के लिए इसी कलर का इस्तेमाल क्यों किया है। द कलर ऑफ सोर क्रीम इज पेल एंड डल, सीधी सी बात है जो कहा जा सके क्रीम होती है सोर क्रीम, उसका कलर जनरली कैसा होता है, डल कलर का होता है। पेल और पेल मतलब कहा जा सके एशन लाइक, है ना, वाइट कलर का जिसका कलर उड़ गया।
The poet used this expression to describe the classroom walls because the walls are not freshly painted. है ना, यहाँ पर painted होना चाहिए था, sorry. So यहाँ पर ये word इसलिए इस्तेमाल किया गया है, क्यों? क्योंकि ये दीवारें जो है इनका color उड़ चुका है और हाल ही में उन पर कोई painting की गई नहीं है, या फिर उन दीवारों पर कोई नया color लगाया गया नहीं है. The walls of the classroom were dull and were not beautiful. और सीधी सी बात है, अगर पेंट नहीं किया गया है तो वो कैसी है? डल है. डल मतलब कलर नहीं है उनके ऊपर, बिल्कुल जो है फेड हो चुकी है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटिफुल वैलीज. How do these contrast with the world of these children? सीधी सी बात है, किस तरीके से यहाँ पर contrast का इस्तेमाल किया गया है वो जो सारी किताबें हैं, वो जो सारे posters लगे हुए हैं उनके बीच में और ये बच्चों की जो actual ज़िंदगी है उनके बीच में. So the various pictures on the wall are not similar to the world of these slum dwelling children because they have never got adequate facilities and education. सीधी सी बात है, ये जो बताई गई पोस्टर्स हैं, इन पोस्टर्स के अंदर जो दिखाया गया है और जो इन बच्चों की एक्चुअल ज़िंदगी है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि इन बच्चों को जो है कहा जा सके पूर्ण मात्रा में जो है फैसिलिटीज़ और एजुकेशन दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल, ना ही कोई सुविधा है इनके पास, ना ही कोई जो है एजुकेशन की कोई फैसिलिटी है. दे हैव ऑलवेज सीन क्राइम हैपनिंग अराउंड देम, हर बार जो है उनके आसपास जो है वो सिर्फ क्या देखते हैं? गुनाह को होते हुए, क्राइम को होते हुए देखते हैं और वो क्राइम मजबूरी में होते हैं, ये भी हम समझ चुके हैं. दैट इज व्हाई इट इज सेड इन द पोएम दैट फॉर दीज चिल्ड्रन शेक्सपियर इज अ विकेड मैन, है ना, कि इसी वजह से इन बच्चों के नजरिए से देखा जाए तो शेक्सपियर क्या है, कहा जा सके एक शापित व्यक्ति है. नॉट ओनली दिस, देयर वर्ल्ड इज द डर्टी स्लम एरिया इन विच दे लिव विच इज कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग. और जो दुनिया का मैप यहाँ पर दिखाया गया है वो भी कॉन्ट्रास्टिव है उनके लिए. क्यों? क्योंकि जिस दुनिया में वो फिलहाल रहते हैं वो क्या है? वो झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी का जो इलाका है वही उनकी क्या है? दुनिया है. और वह दुनिया जो है उनकी कंटिन्यूअसली मतलब निरंतर जो है वो बढ़ती जा रही है. Hence the world maps which never show slums and the beautiful valley which is never seen and is out of his reach of such children are in total contrast who what they see as their world, है ना. So यहाँ पर इसी वजह से ये जो वर्ल्ड मैप है वो वर्ल्ड मैप कभी भी जो है इन झोपड़पट्टियों को दिखाता नहीं है, तो सीधी सी बात है वो उनके लिए कोई मतलब नहीं रखते. और जो ब्यूटीफुल वैलीज की बात की जा रही है, ना ही उन्हें कभी देखी है, है ना, और ना ही वो कभी ज़िंदगी में आगे जाकर देख पाएंगे इस तरीके से अगर उनकी कंडीशन रहती है. और इसी वजह से उनके लिए दुनिया क्या है? तो जो उनकी आँखों से दिखाई देती है, जो उनका झोपड़पट्टी का इलाका है वही उनकी क्या है? दुनिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या? What does the poet want for the children of the slums? How can their lives be made to change? है ना, कि जो बच्चे हैं ये slum इलाके के, उनकी जो है ज़िंदगी के लिए poet क्या चाहते हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी बदली जा सकती है? The poet wants the governor, inspector and the visitor to visit the school. क्या चाहते हैं कि जो governor और inspector और जो visitors यहाँ पर आते हैं वो कैसे visit करें? School को visit करें. He wants them to see the plight of these kids and do something for their betterment. है ना, वो चाहते हैं कि ये इन बच्चों का जो दर्द है, दुख है, जो परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को वो सारे लोग देखें और इनकी जो है बेटरमेंट के लिए, अच्छी कहा जा सके फ्यूचर के लिए वो कुछ ना कुछ करे. These kids should be provided with best amenities in order to make their better life. और इन बच्चों को जो है कहा जा सके अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी जो है सुविधाएँ मिल सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सके. He wants these kids to visit beautiful places which are granted by the nature with its beauty. चाहते हैं कि वो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो है अच्छी अच्छी जगहों पर जाएं, है ना, अच्छी अच्छी नेचुरल ब्यूटी को वो देख सकें. This will instill a hunger in them to study in order to make their life better. और यही एक चीज़ है जिसकी वजह से उन बच्चों में जो है एक ऐसी भूख जागेगी कि जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा नॉलेज को जो है गेन करने के बारे में सोचेंगे और अपने भविष्य को जो है वो सुधार पाएंगे, है ना. आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा. अब हम जो है कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो है इसमें यूज़ हुए हैं वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट पेज पर जो है मुझे कौन से पोएटिक डिवाइस दिखाई दे रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको. सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सिमिली. तो आप कौन सी लाइन में सिमिली जो है दिखाई देता है? तो सीधी सी बात है, सिमिली में हम क्या देखते हैं? एज और लाइक वर्ड, है ना. तो यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट लाइन जो दी हुई है, सेकंड लाइन जो दी हुई थी पोयम के अंदर, आप देख चेक कर लेना उसमें क्या लिखा हुआ था, लाइक रूटलेस विड, है ना. तो वहाँ पर क्या यूज़ किया गया था? लाइक यूज़ किया गया था, जिसमें बच्चों को जो है किससे कंपेयर किया गया था? रूटलेस विड से. और इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? सिमिली.
अब मेटाफोर कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो मेटाफोर देखिए ये होता है डायरेक्ट कंपैरिजन सिमिली, और मेटाफोर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, है ना। सो सिमिंग पेपर सिमिंग बॉय जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़का है बॉय उसकी किससे कंपैरिजन की जा रही है, पेपर से कंपैरिजन की जा रही है ना। तो और यहाँ पर कोई लाइक और एज जैसा वर्ड नहीं है, और अगर लाइक और एज जैसा वर्ड नहीं है इसी वजह से यहाँ पर हम जो है इसे क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन कह सकते हैं, और यही वजह है कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया गया है, मेटाफोर। अब रिपीटेशन, रिपीटेशन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो देखो रिपीटेशन जो है फार वर्ड में, है ना, ये जो फार वर्ड है ये बार बार जो है रिपीटेशन जो है इस्तेमाल किया गया है, ये बार बार वर्ड आपको जो है पोएम के अंदर दिखाई देगा, है ना। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, पहली लाइन में एक तो ये वर्ड लिखा हुआ है, फिर अगर आप देखोगे तो पोएम के बीच में भी जो है एक आध पैराग्राफ में जो है इस वर्ड का बार बार इस्तेमाल किया गया है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जो है बार बार रिपीट हो दो या दो से ज़्यादा बार, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिपीटेशन। अगेन मेटाफोर भी जो है कहीं पर इस्तेमाल किया गया है, तो कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो देखिए जहाँ पर सॉर क्रीम वॉल्स लिखा हुआ है, है ना, सॉर क्रीम वॉल्स मतलब दीवालों का जो कलर है उस कलर को किससे कंपेयर किया गया है, सॉर क्रीम से, है ना। क्यों, क्योंकि वो कैसी हैं, बिल्कुल ही डल है, और इसी वजह से यहाँ पर कैड है डायरेक्ट कंपेरिजन, तो हम इसे क्या कहेंगे, मेटाफोर। सेकेंड है, तो अगर आप देखोगे तो नैरो स्ट्रीट सील्ड विथ अ लीड स्काई, है ना, यहाँ पर क्या कहा गया है, लीड स्काई और नैरो स्ट्रीट। अब नैरो स्ट्रीट कहाँ क्यों कहा गया है, क्यों, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर कैसा समझाया गया है, यहाँ पर लिमिटेड समझाया गया है। तो बच्चों का जो फ्यूचर है उस फ्यूचर की कंपैरिजन यहाँ पर किससे की गई है, नैरो स्ट्रीट से, इसी वजह से जो है यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन और मेटाफोर। एसोनेंस का मतलब क्या होता है, तो एसोनेंस अब मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी आप जो है किसी वोवेल साउंड को बार बार रिपीट करते हैं, है ना, तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं। तो देखो यहाँ पर बेल्ड है, फ्लावरी है, टायरलिस वैली है, तो इन सब में जो है वोवेल साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसी वजह से हम एसोनेंस कहेंगे इसे। एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर हम मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का या किसी एक जगह का अगर हम नाम लेते हैं, और उस जगह का नाम लेते हुए, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए तुरंत हमारे दिमाग में अगर उस जगह की या उस व्यक्ति की पिक्चर बन जाए, तो समझ लेना वो क्या है, हमारे लिए एल्यूजन है। जैसे शेक्सपियर की बात करें तो हम शेक्सपियर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, है ना, तुरंत हमारे दिमाग में जो है उसका चेहरा आ जाएगा। टायरलिस वैली की बात करें, अगर हमने देखी है या कहीं पर सुना है, तो सीधी सी बात है हम तुरंत ही जो है उसके बारे में पिक्चराइजेशन शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एल्यूजन। रिपीटेशन मैंने आपको दिखाया, फार वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, शायद इसको मैंने गलती से दोबारा लिख दिया, इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट, मेटाफोर अगेन और कहाँ कहाँ पर है, तो मेटाफोर और जो है अगर आप देखोगे तो क्रैम्प्ड होल्स में दिया हुआ है, है ना। अब क्रैम्प्ड होल्स का मतलब यहाँ पर क्यों लिखा गया है, तो क्रैम्प होल को जो है किससे कंपेयर किया गया है, उनके घर से कंपेयर किया गया है ना, देयर होम्स, और इसी वजह से इस यहाँ पर जो है डायरेक्ट कंपेरिजन घर के किससे की गई है, क्रैम्प्ड होल से, और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, मेटाफोर कहा जाता है। सिमिली और कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो देखिए यहाँ पर एक और लाइन है, लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, है ना, तो यहाँ पर लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ, और लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिमिली। एलिट्रेशन, देखिए रिपीटेशन और एलिट्रेशन सेम है, रिपीटेशन में आपको पूरा वर्ड रिपीट करना होता है, और एलिट्रेशन में आपको जो है फर्स्ट लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट अगर रिपीटेशन हो तो हम उसे जो है रिपीट कहा जा सके, एलिट्रेशन कह सकते हैं, है ना। मेटाफोर की बात करते हैं, मेटाफोर क्या है, द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन, अब यहाँ पर देखो वाइट ग्रीन लीव्स, तो यहाँ पर जो वाइट और ग्रीन लीव्स के बारे में समझाया गया, तो ये वाइट किसके लिए लिखा है, वाइट लिखा गया है बुक्स के लिए, और ग्रीन लिखा गया किसके लिए, तो नेचर के लिए लिखा गया, और इसी वजह से यहाँ पर वाइट और ग्रीन इन दोनों का बुक्स और नेचर से डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, मेटाफोर। अब ये एनाफोरा क्या होता है, है ना, तो एनाफोरा का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई वर्ड जो है वो बार बार रिपीट करते हैं दो कंसेक्यूटिव लाइन में, है ना, तो हम उसे कहते हैं एनाफोरा। देखिए यहाँ पर रन और रन, है ना, दो लाइन में जो है बार दो बार रिपीट हुआ, इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, एनाफोरा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए यूनिट के साथ में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।